हेलो दोस्तों, एजीए प्लस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से 99% लोग यही सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है। जी नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस नहीं है, बल्कि आज से 60 साल पहले बनाया गया एक ऐसा लड़ाकू विमान था जिसने 71 की जंग को ही पलट कर रख दिया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। इससे पहले कि मैं आपको उस लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी दूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड न्यूज सुनना अच्छा लगता है तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी डिफेंस की बहुत ही अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मैं डेली डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, तो जब भी करता हूं वो वीडियो इतनी खास होती है कि आप लोगों का दिल खुश कर देगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था HAL के द्वारा बनाया गया HF-24 मारूत। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था जिसको भारत ने जर्मनी की मदद से 1967 में बनाकर तैयार किया था। तो दोस्तों, मैं आपको अब इस फाइटर जेट की खूबियां बताता हूँ। उस समय के हिसाब से इसका डिजाइन काफी एडवांस था, बिल्कुल पेंसिल की तरह स्लिम था, की वजह से इसकी रफ्तार उस समय के हिसाब से 1143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाता था। देखने में बिल्कुल एक आकर्षक विंग और टेल का फ्यूजलेज का साथ जुड़ा होना इसे खास बनाता था। हवा से जमीन पर मार कर सकने वाला ये फाइटर जेट सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी बेहतर कारगर था। इसकी खास बात ये थी कि ये ना तो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में उड़ाया जा सकता था, बल्कि ये नौसेना के लिए भी काफी ज्यादा कारगर फाइटर जेट था। अब इसकी लड़ाई की खूबियों की बात करते हैं। हालांकि इस फाइटर जेट ने ज्यादा लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब भी हिस्सा लिया भारत को गर्व करने का मौका दिया। आपको 1971 का एक किस्सा सुनाता हूं इस फाइटर जेट को लेकर। 6 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स आमने सामने थी, जब इन दोनों एयरफोर्स के बीच में वो डॉग फाइट हुई थी, तब ये मारूत फाइटर जेट ही था जिन्होंने पाकिस्तान की एडवांस, यहाँ दोस्तों उस समय पाकिस्तान की एयरफोर्स हमसे ज्यादा एडवांस थी, लेकिन तब भी इस फाइटर जेट ने उनके दो लड़ाकू जहाज विमानों को मार गिराया था और पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये संदेश दिया था कि भारत के पास भले ही फाइटर जेट एडवांस ना हो, लेकिन भारत के फाइटर पायलट काफी प्रोफेशनल्स हैं। तो ये दोस्तों उस समय मारूत फाइटर जेट की सबसे बड़ी जीत थी। के बाद से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स में भारतीय एयरफोर्स की काफी दहशत बन गई थी, जो आगे जाकर 71 में पाकिस्तान की हार का कारण बनी थी। मारूत फाइटर जेट की सबसे खास बात ये थी कि आज तक इतिहास में इस फाइटर जेट को कभी भी मारकर नहीं गिराया जा सका। मारूत की खूबियों को देखते हुए भारत की सरकार ने 147 मारूत फाइटर जेट बनाए थे, जो कि उस समय के लिहाज से बहुत ज्यादा थे। अब बात करते हैं कि कैसे इस फाइटर जेट की कहानी खत्म हुई। तो दोस्तों, 80 का दशक आते आते इसके इंजन में बहुत ज्यादा खराबियां आ चुकी थी। आए दिन ये क्रैश होने लग गया था, जिसकी वजह से भारत के कई सारे पायलटों की वीर गति को प्राप्ति हुई थी। इसको देखते हुए भारत की सरकार ने फिर ये फैसला किया था कि इस फाइटर जेट को रिटायर कर दिया जाए। तो 1980 के दशक में इस फाइटर जेट ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी, तो उसके बाद ये फाइटर जेट गुमनामी की दुनिया में कहीं खो गया। इसी से सबक लेते हुए भारत ने अपना दूसरा स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाने की ओर काम शुरू किया। भारत के इतिहास में ये फाइटर जेट हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंसान को पता चल सके कि भारत का सबसे पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस नहीं बल्कि मारूत था। 71 की जंग में पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। इसके लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।